मिर्जापुर एक जादुई नगरी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रंजीत और मैगी राजकुमारी के कमरे में पाजेब खोजने आते हैं और वह दोनों राजकुमारी की अलमारी का सामान इधर से उधर फेंक देते हैं। तभी कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति भी आ जाता है। अब आगे रंजीत मैगी को छुपने का इशारा करता है और रंजीत व मैगी जल्दी से छुप जाते हैं। वह व्यक्ति सफाई वाला है जो राजकुमारी के कमरे की सफाई करने आया है। अब उसने राजकुमारी के कमरे को ऐसा फैला हुआ पाया तो वह क्रोधित होने लगा। आजकल राजा साहब भी बिल्कुल पागल हो गए हैं। सारा सामान इधर उधर फेंक कर चले गए हैं। अब मुझे ही साफ करना पड़ेगा ये सारा। वह व्यक्ति बुदबुदाते हुए वहां से चला जाता है और दरवाजा भी बंद कर देता है। रंजीत और मैगी बाहर निकलकर आते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? लगता है वो बाहर से बंद कर गया है। आका, अब बाहर कैसे निकलेंगे? सोचने दो कुछ। तभी किसी के आने की आहट होती है। इस बार जो भी अंदर आएगा उसका मुंह दबा लेंगे और हम यहीं छुप जाते हैं। ठीक है? ठीक है, मैं वो कपड़े ले आता हूँ। रंजीत और मैगी दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और दरवाजा खोलकर एक व्यक्ति अंदर आता है। रंजीत उसका मुंह कपड़े से बंद कर देता है जिसके कारण वे बेहोश हो जाता है और मैगी वापस से दरवाजा बंद कर देता है। आका, यहाँ से अब भाग चलते हैं। लेकिन पाजेब तो पाई नहीं। अब बाद में खोज लेंगे। ये सफाई कर्मचारी है, वैसे भी इसको खोजने यहाँ कोई नहीं आएगा। आका, आप इसका चेहरा तो देखो, मुझे तो ये सफाई कर्मचारी नहीं लगता। ओ नो, ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? आका, इसके वस्त्र आभूषण तो शाही लग रहे हैं। हाँ, इसके कपड़ों से तो मुझे यही राजा लग रहा है। आका, राजा के होश में आने से पहले ही हम यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं मैगी, आज तक कभी किसी भी परेशानी से डरकर नहीं भागा हूँ, बल्कि मैंने उसका डटकर सामना किया है। मैं यहाँ से भी अब कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ समय बाद राजा को होश आ जाता है और राजा रंजीत को अपना दास समझ लेता है। वो पकड़ा गया क्या? कौन? वही जिसने मुझ पर अभी हमला किया था। राजा ने मुझे पहचाना नहीं है और अपना नौकर समझ रहा है। वो तो बचकर भाग निकला। सैनिक उसके पीछे गए हैं, शायद जल्दी ही पकड़ा जाए। ये कमरा फैला हुआ है, इसका मतलब वो चोरी करने के इरादे से आया था। जी जी, ये भी हो सकता है। तुम कौन हो? मैं यहाँ सफाई करता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से ये कमरा साफ कर दो और अच्छे से बंद करके बाहर आ जाओ। राजा ये बोलकर बाहर चला जाता है और रंजीत व मैगी इस बार पूरे अधिकार के साथ कमरे को साफ करने के बहाने पाजेब खोज रहे हैं। एक कड़ी मशक्कत के बाद रंजीत को पाजेब पा जाती है। मुझे लगता है यही है वो पाजेब। आका, अपने लिए भी कुछ देख लेते हैं। अब तो उस पाजेब वाले को ही देखना है। दोनों हंसते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। रंजीत और मैगी पाजेब पाकर इतने खुश हैं कि उन्हें अब महल में किसी की परवाह ही नहीं है और वह दोनों बेखौफ घूम रहे हैं। तभी वजीर की नजर मैगी पर पड़ जाती है और रंजीत वजीर को देखकर एक पर्दे के पीछे छुप जाता है। मैगी अभी भी अपनी मस्त चाल में चल रहा है और वजीर मैगी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन मैगी अभी ख्वाबों में ही खोया हुआ है। ए बोनी, कौन हो तुम और महल के अंदर कैसे आए? अरे तुम अलग हटो। वजीर को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह मैगी को उठाकर पास ही पड़ी मेज पर खड़ा कर लेता है। मैगी फिर सपने से बाहर आता है और देखता है कि व्यक्ति हाथ में तलवार लिए खड़ा है और गुस्से से उसे देख रहा है। मैगी चारों ओर नजर दौड़ाता है लेकिन उसे दूर तक भी रंजीत नहीं दिखता। मेरे प्रश्न का जवाब दो। ये आका कहाँ चले गए हैं? क्या सोच रहे हो, मैंने कुछ पूछा है? मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ
अरे यहाँ कैसे आया? अच्छा, तुझे राजा साहब के पास ले चलता हूँ, वहाँ तुझे सब याद आ जाएगा। वजीर मैगी को राजा के पास ले जाने लगता है और पीछे से वजीर भी चुपके से चलने लगता है। राजा सिंहासन पर बैठा है। आज हम पर जानलेवा हमला हुआ, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द हमारे सम्मुख हाजिर की। तभी वहाँ वजीर आता है। ये किसके बच्चे को तुम दरबार में लिए चले आ रहे हो? ये बच्चा नहीं है, बौना है ये, जो बाहर से आया है और अपने बारे में कुछ बता भी नहीं रहा है। क्या पता इसी बौने ने आप पर हमला किया हो। दरबार में सभी हंसने लगते हैं। तुम इतने बड़े मूर्ख कैसे हो सकते हो? ये बौना हम पर हमला कर पाएगा क्या? क्या मैं इतना कमजोर हूँ? जाओ वहां पे छोड़ दो इसे। वजीर भी भरे दरबार में बेइज्जती होने के कारण बहुत दुखी हो गया है और उसे मन ही मन मैगी पर और अपनी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा है। वजीर मैगी को दरबार से बाहर ले आता है। इस बौने की वजह से आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं इसे ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा। वजीर मैगी को जेल में डाल देता है और मैगी आज कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वह रंजीत के गायब हो जाने से दुखी है। उसके मन में नए नए ख्याल आ रहे हैं। आका मुझे छोड़कर चले गए, या किसी ने उनको भी तो जेल में नहीं डाल दिया। मैगी इसी कश्मकश में जेल में इधर से उधर डोल रहा है। दूसरी तरफ राजा व रानी बातें कर रहे हैं और रंजीत वहां से मैगी को बचाने के लिए गुजर रहा है, लेकिन वह बात सुनने के लिए रुक जाता है। हमारी बेटी को पहले ही हमसे दूर कर दिया गया और आज मुझ पर भी जानलेवा हमला हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी को वापस ले आओ, मैं भगवान से प्रार्थना कर करके हार चुकी हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, अगर उसका मुझे पता होता तो मैं जरूर ले आता, लेकिन कैसे लाऊं? राजा और रानी दोनों रोने लगते हैं। यह सुनकर रंजीत की भी आंखें भर आती हैं। वह फैसला कर लेता है कि वो राजा से बात करेगा, लेकिन पहले मैगी को छुड़ाएगा। रंजीत मैगी को छुड़ाने पहुंच जाता है। मैगी जेल में उदास बैठा है। रंजीत को यह देखकर बहुत दुख होता है और वह मैगी को धीरे से आवाज देता है। रंजीत को देखकर मैगी की आंखों में चमक आ जाती है। आका आप आ गए। हाँ मैं आ गया हूँ मैगी। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं छोड़कर कहीं नहीं गया था, मैं तुम्हारे साथ साथ ही घूम रहा था। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। गेट तो खोलो आका। रंजीत जेल का ताला तोड़कर मैगी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि पीछे दो सिपाहियों के साथ वजीर खड़ा है। असली चोर पकड़ा गया, अब मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। रंजीत के ऊपर सिपाही वार करते हैं, लेकिन रंजीत पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। रंजीत सिपाहियों को मार देता है और वजीर को वहीं पर बंधक बना देता है। ये तुम सही नहीं कर रहे हो, राजा साहब तुमको नहीं छोड़ेंगे। रंजीत और मैगी हंसते हुए आ जाते हैं। चलो आका अब जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं मैगी, मेरे पास अभी एक और काम बचा है। क्या काम बाकी है अब? मुझे यहाँ के राजा से मिलकर जाना होगा। आपको जैसे तैसे तो रास्ता मिला है, अब खाई मत खोदो। अंजाम जो भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। रंजीत राजा के पास पहुंच जाता है और मैगी भी साथ है। राजा पीछे मुड़कर देखता है कि एक नवयुवक और साथ में वही बौना है। तुम वापस यहाँ? कहानी जारी रहेगी। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल NM Stories। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू एपिसोड्स ओनली NM Stories पर।